हाय एवरीवन, जय माँ वैष्णो। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अपना मंथली मेंटेनेंस रूटीन, जिसमें से कुछ चीजें आवश्यकता पड़ने पर मैं महीने में अप्लाई करती हूँ, कुछ हफ्ते में, और कुछ चीजों को तो मैं रेगुलर फॉलो करती हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट थिंग कम फर्स्ट, वैसे तो मैं अपने दांतों को क्लीन और स्ट्रांग रखने के लिए दिन में दो बार ब्रश करती हूँ, लेकिन 10 से 15 दिन में मैं इस तरीके का सरसों का तेल और नमक का पेस्ट बनाकर ब्रश करती हूँ, ताकि मेरे दांतों को एक्स्ट्रा क्लीनिनेस और स्ट्रांगनेस मिले। इसके बाद करूंगी मैं अपने बालों पर हेयर ऑयलिंग। मैं रात को बहुत ही कम हेयर ऑयलिंग करती हूँ, क्योंकि मेरे माथे पर पिंपल हो जाते हैं, इसलिए मैं नहाने से एक या दो घंटे पहले ही अच्छे से अपने बालों पर मसाज करती हूँ। आप कोई सा भी ऑयल ले लीजिए, या फिर दो तीन ऑयलों को अच्छे से मिक्स करके कर लीजिए, या घर पर बनाकर कर लीजिए, और अपने बालों को अच्छे से हाइड्रेट करिए। और आजकल सर्दी है, डैंड्रफ वगैरह की दिक्कत हो जाती है, तो तेल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारी स्कैल्प को अच्छे से मॉइस्चर मिले। इसके बाद मैं कोई सा भी माइल्ड शैम्पू लेकर हेयर वॉश कर लूँगी। मैं शैम्पू को हमेशा डाइल्यूट कर ही यूज़ करती हूँ। इसके बाद लगाऊंगी मैं हेयर मास्क। यहाँ पर मैंने मुल्तानी मिट्टी और दही को मिक्स करके हेयर मास्क बनाया हुआ था। मैं हफ्ते में एक बार हेयर मास्क जरूर लगाती हूँ, ताकि मेरे बाल सिल्की रहे और उसमें से फ्रीजीनेस रिमूव हो जाए, क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम फ्रीजी हैं। 10 से 15 मिनट में इसे रखूंगी और उसके बाद बाल अच्छे से धो लूंगी। इसके बाद टर्न आती है हेयर रिमूवल की। हेयर रिमूवल के लिए मैं दोनों चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, वैक्सिंग भी और रेज़र भी, समय के हिसाब से। अगर मेरे पास ज़्यादा समय है तो मैं वैक्सिंग का इस्तेमाल कर लेती हूँ, नहीं तो रेज़र का। आप इस तरीके का वैक्सिंग टूल ले सकते हैं, ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाता है। बार बार पार्लर में जाकर पैसे खर्च करने से अच्छा है आप अपना ले लें, ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल भी है और कन्वीनियंट भी। पहले मुझे वैक्सिंग से बहुत डर लगता था और करनी भी नहीं आती थी, लेकिन मेरी दीदी को देख देख कर मुझे बहुत सारी चीज़ें आ गई है। तो सबसे पहले मैं वैक्स को हीट कर लेती हूँ, उसके बाद ये स्पैचुला लेकर लगा लेती हूँ, और इस तरीके से स्ट्रिप लेकर बालों को काट देती हूँ। आप चाहे तो ये वाली मार्केट वाली स्ट्रिप भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने तो जीन्स को काट काट कर भी बनाई हुई है, वो ज़्यादा अच्छा काम करती है इसके हिसाब से, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कभी मुझे कहीं एकदम जाना पड़े जहाँ पर मेरे पास वैक्सिंग करने का टाइम नहीं है, तो मैं अपने पास रेज़र भी रखती हूँ। ये बहुत ही पेनलेस तरीके से बहुत ही जल्दी से बालों को निकाल देता है। दोनों ही फॉर्मूला बहुत ही अच्छे हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा सूट करते हैं। मैं तो दोनों ही यूज़ कर लेती हूँ, बस मैटर करता है कि आप अच्छे से स्टेप्स फॉलो करते हुए चीज़ें करें, ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। इसके बाद मैं अपने अपर लिप्स के हेयर रिमूव करूंगी और अपने आईब्रो को सेट करूंगी। इन दोनों चीज़ के लिए मैं थ्रेडिंग या वैक्सिंग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती हूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और मुझसे बिल्कुल टॉलरेट नहीं होता है। मैंने ये इवन एक बार भी ट्राई भी नहीं करे हैं, देखने के लिए कि मुझे कितना पेन होता है। मुझे देख कर ही इतना ज़्यादा पेन हो जाता है, क्योंकि और ऐसे टाइम पर फेस रेजर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी है। शेविंग करने से पहले मैं एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ, और शेविंग करने के बाद मैं टिश्यू पेपर लेकर अच्छे से उस एरिया को क्लीन कर लेती हूँ। इसके बाद मैं रेजर को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम ठीक से इस्तेमाल भी कर सकूं। और जो आईब्रो के नीचे वाला पार्ट होता है, वो रेजर से नहीं ठीक से निकल पाता, कट लगने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैं उसे प्लकर की हेल्प से सेट कर लेती हूँ। और इस तरीके से मैं घर पर ही अपनी आईब्रो टेन टेन सेट कर देती हूँ। इसके बाद मैं लगाऊंगी फेस मास्क। फेस मास्क भी मैं हफ्ते में एक या दो बार अप्लाई कर ही लेती हूँ। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स ऐसे ही यूज़ करूँ जो मेरी स्किन को मॉइस्चर और हाइड्रेशन प्रोवाइड करे। यहाँ पर मैंने ब्लैक सीसेम और दही लिया है। ब्लैक सीसेम को काले तिल भी कहते हैं। आप व्हाइट तिल भी ले सकते हैं, काले तिल भी ले सकते हैं, और उसे दही में अच्छे से मिक्स करके मैं 10 से 15 मिनट रख देती हूँ। उसके बाद मैं गीला फेस टॉवल लेकर इस तरीके से रिमूव कर लेती हूँ। ये मेरी स्किन के लिए एक्सफोलिएटर का भी काम करता है, मेरी स्किन को ब्राइट भी कर देता है और मॉइस्चराइज भी प्रोवाइड करता है, तो इस सर्दी मेरे लिए ये तो बेस्ट है। इसके बाद मैं अपने लिए बनाऊंगी बॉडी स्क्रब। मैं लगभग चीजें घर पर ही बनाती हूँ। बॉडी स्क्रब के लिए मैंने इस्तेमाल करा है ओट्स, बेसन, कॉफी और मिल्क का। ये अच्छे से मेरी स्किन को ब्राइटन तो करेगा ही, साथ ही साथ मेरे सारे डेड सेल्स भी रिमूव कर देगा। मैं पैरों के लिए भी इसको ही इस्तेमाल करती हूँ, और ये वाला हिस्सा तो मैं अच्छे से ही साफ करती हूँ, क्योंकि ये लगभग टाइम छूट जाता है। वैसे तो नहाते हुए इसे साफ कर लेती हूँ, लेकिन वो इनफ नहीं है, क्योंकि दिन भर में नंगे पैर ही रहती हूँ, तो इसलिए अच्छे से एक्सफोलिएट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और अब नहाने की बात करूंगी मैं अपनी लिप की केयर, इसके लिए भी मैंने स्क्रब बनाया हुआ है जिसमें मैंने कॉफ़ी, चीनी और ऑयल का इस्तेमाल करा है। यहाँ पर मैंने कोकोनट ऑयल लिया हुआ है। अच्छे से स्क्रब करके मैं इस टॉवल की हेल्प से इसे रिमूव कर लूंगी और इसके बाद करूंगी मैं अपना फेवरेट पार्ट जो कि है मेरा स्किन केयर। मैं ज़्यादा स्टेप्स फॉलो नहीं करती हूँ, ज़रूरी नहीं आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं और लंबा लंबा स्किन केयर फॉलो करना है, लेकिन नेसेसरी स्टेप्स फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें इंक्लूड होता है टोनर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। यहाँ पर मैं गुलाब जल का टोनर बनाकर इस्तेमाल कर रही हूँ। गर्मियों में मैं राइस वाटर वाला यूज करती हूँ लेकिन अभी के लिए वो ड्राई हो जाता है, इसलिए मैं गुलाब जल वाला इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद लगाती हूँ मैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम और धूप से बचने के लिए लगाऊंगी मैं सनस्क्रीन। आप चाहे घर पर हो, बाहर हो या मेरी तरह वीडियो बना रहे हो, सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर कंप्लीट होता है मेरे स्किन केयर के सारे स्टेप्स। एक स्टेप बचता है और वो है आई प्रोटेक्शन। यहाँ पर मैं एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ अपने आईज के अराउंड ताकि मैं डार्क सर्कल से बची रहूँ, क्योंकि दिन भर में फोन पर ही लगी रहती हूँ तो उसकी प्रोटेक्शन करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब कंप्लीट होता है मेरा स्किन केयर और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ हल्का सा मेकअप जो मैं रेगुलर लगाती हूँ। मैं कोई भी लिपस्टिक लेकर अच्छे से चिक्स पर लगा लेती हूँ इधर उधर और हल्की सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ और यहीं पर ही मेरा स्किन केयर और मेकअप दोनों कंप्लीट हुआ। आज मैंने अच्छे से हेयर वॉश करा ही हुआ था और 15-20 दिन मुझे हो चुके हैं बालों को ट्रिम करे हुए, तो सोचा आज बालों को ट्रिम भी कर लेती हूँ। अपने बालों को मैं टाइम टू टाइम ट्रिम करती रहती हूँ ताकि इसमें से जो बेकार के बाल है ना, दो मुखे, वो सारे बाहर निकल जाए और मेरे बालों की हेल्थ पर कोई भी दिक्कत ना आए और इनकी ग्रोथ भी बढ़ती रहे। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ही करे हैं, इससे ज़्यादा दिख नहीं रहे थे, वरना अगर ज़्यादा होते हैं तो मैं इतना पार्ट पूरा ही रिमूव कर देती हूँ। अब इतने स्टेप्स फॉलो करने के बाद मैंने सोचा थोड़ी सी हाथों की मरम्मत भी कर ली जाए, तो सबसे पहले मैंने अपने नेल्स को अच्छे से ट्रिम कर लिया था। बहुत दिनों से नेल पेंट नहीं लगाई थी तो सोचा आज नेल पेंट लगा लूँ। कलरफुल मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि उसे लगाते ही मुझे निकालने की इरिटेशन हो जाती है। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का, ये बहुत ही अच्छा सा शाइन प्रोवाइड करती है नेल्स को, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं दोनों हाथों में अच्छे से अप्लाई कर लूँगी इसे और यहाँ पर मेरा पूरा मेंटेनेंस रूटीन कंप्लीट होता है और मैं वीडियो को यहीं पर ही एंड भी करती हूँ। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय।